गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी वो तो उनके वो साथ इंटरेक्शन बिल्कुल बिल्कुल उनसे कैसा था हैं। हाँ। मतलब मैं तो शौक नहीं था उनको देख के हाँ। मतलब हम उनको टीवी में देखते थे अब उनके साथ बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं उन्होंने मैं ऐसे साइड पर खड़ा इधर साथ बैठ जाते हैं जब आप मतलब मुंबई इंडियंस में गए तो आपकी सबसे आरी किस, मेरे अच्छी किस मेरी हार्दिक से आज उसने टू तो संचनीवारी, संचनीवारी, क्या बात कर लेते तब तक आप देख लीजिए हम अभी ईशान किशन जी को लाइव कॉल भी करवाएंगे आपसे सिर्फ मुबारकबाद एक चीज गौर फरमाइएगा नीचे की तरफ भाई की पैंट फटी हुई है अभी भी लगता है डायरेक्ट ग्राउंड से आए हो अभी इंटरव्यू वगैरह तो मैं सीधा ग्राउंड से हमारा कैंप लगा हुआ था तो वहाँ से मैं डायरेक्ट यहीं पे आया मैं ज्यादा इंटरेस्ट मेरा क्रिकेट में तो नहीं है नहीं है आ, बहुत ज्यादा नहीं है खिलाड़ी बट मेरे फ्रेंड ही है, आ, हाँ। है। आ, आ, <laughs> पका। वो उनका नाम अब बाबा नाम है ऐसे नाम भूल गया उनका कोई नहीं हमारे इधर बाबा शिंदा ऐसे बिल्लू बिल्लू यही चलते भी खेले मैं बैटिंग करना चाहता हूँ ये बॉल डालता है मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ कर देता तो आज ये बैटिंग कर रहा था मैंने बॉल बोल्ड कर दिया मैं बेटे देख, <laughs> देख कभी फेसबुक में हम कभी आपके निकलता रहता बहुत कुछ देखते रहते हैं देखते हो देखता, देखो, देखो, देखता देखो अभी भी देख रहे हो ठीक है जब इंडिया नेशनल टीम में जाओगे ना खुद भी देखना और बाकी को भी दिखाना हाथ मिला यार चलो ये अभी उधर चले गए मेरे को बात देता जैसे कि मोमेंटन में होकर आए ना नेशनल प्लेयर के साथ खेल के कर नहीं ना नहीं और जल्दी हम ये आईपीएल में मिलेगा आपको बिल्कुल बिल्कुल आप दोनों जाओ वहाँ पे आके हम आपको मिलेंगे अच्छा बाकी अपना प्रोसेस चालू रखिए थैंक यू करो ना ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं आके तो आपका भी थैंक यू सीनियर सिखा रहा है विजय सारी ट्रॉफी में इस बार जम्मू कश्मीर की टीम ने इतिहास रचा और वो इतिहास ये है कि पहली बार हमारी टीम नॉकआउट्स तक पहुंची है हाँ हालांकि जीत नहीं पाई लेकिन क्वार्टर क्वार्टर फाइनल मैच तक पहुंचने की बहुत बड़ी बात थी क्योंकि जम्मू कश्मीर की टीम को ना हमेशा आ, अ, कम आंका जाता है और उसी टीम के दो सितारे मेरे साथ हैं आज युद्धवीर सिंह चाड़क है और साथ ही है वेदांत राइट आर्म फास्ट बॉलर है और ये लेफ्ट हैंडर है बहुत ही छक्के मारे थे उन्होंने आज हम डॉक्टर निर्मल सिंह जी के घर पर आए थे और उन्होंने फलिस्टेट भी किया मुबारकबाद भी दी सबसे पहले निर्मल सिंह जी से ही पूछना चाहेंगे सर क्या कहना चाहोगे दोनों सितारे आने वाले टाइम पे जैसे नेशनल टीम भी खेल सकते हैं देखिए आज इन दोनों नौजवानों को युद्धवीर और विभ्रांत शर्मा को जो हमें यहाँ आए तो मुझे मैं अपने आप को बड़ा ऑनर्ड महसूस कर रहा हूँ क्या बात है कि हमारा जो भविष्य है जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है उसके दो सितारे आज आ, हमारे सामने हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो है इतिहास रचा है जम्मू कश्मीर के जब जो प्लेयर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा क्रिकेट में तो नहीं है नहीं है आ, बहुत ज़्यादा नहीं है है हाँ ज़्या। बहुत ज़्यादा नहीं है है लेकिन हम देखते थे दिल्ली मुंबई का होता आ, था दिल्ली का होता था या दूसरे स्टेट्स का तो हम सोचते थे हम कहाँ हैं लेकिन यहाँ की जिस प्रकार से राजनीति रही है जम्मू कश्मीर के पिछले सालों में उस राजनीति का असर लगता था भाई उसका हमारे क्रिकेट के ऊपर यहाँ पर गेम्स पर भी है तो मतलब फाइनली आप खुश हो कि हमारी टीम कहीं ना कहीं दिख रही है। हाँ आज एक नया वातावरण आया है और मैं इन बच्चों को नौजवानों को पूछ रहा था तो क्या आपको लग रहा है तो कह रहे हैं कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है काफ़ी फेयर हो गया है उनको जो है प्लेयर्स को बिल्कुल आ, मतलब एक पूरी फ्रीडम है जिस प्रकार से है कि एक जो एक प्रतिभा है किसी नौजवान की उसके अंदर बहुत एनर्जी है वो कैसे उसका प्रकटीकरण होता है उसको अगर थोड़ा मौका दिया था तो वो अपने तरीके से तो तो उसको डालता है डॉक्टर साहब के कहने की बात यह कि सिलेक्शन प्रोसेस कहीं कहीं ना कहीं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है डिजर्विंग प्लेयर है उसी को जो है आगे हाँ, जाने का तो उसी का परिणाम है उसी बिल्कुल, के परिणाम है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे पहले भी टैलेंटेड लोग थे मिथुन मनहास जैसे लोग हमारे यहाँ से और भी कई प्लेयर्स बिल्कुल, हुए हैं कश्मीर के बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे लेकिन जैसे नॉकआउट सिस्टम में जाना तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है और उसका कारण यही है इन बच्चों की मेहनत इनका सब कुछ और जिस प्रकार से सिस्टम की तरफ से इनको सपोर्ट मिल रहा है और तो उसके कारण ही ये नतीजा है जिसके कारण जम्मू कश्मीर का सर जो है सतमुच्च भारत आज के जो मुकदमणी के तौर पर क्रिकेट में भी सिन्नान के खड़े हैं और ठीक है जीते नहीं है लेकिन कोई हाँ बिल्कुल कोई बिल्कुल जो है आ, हार आखिरी हार नहीं होती कोई जीत आखिरी जीत नहीं होती लगातार स्ट्रगल रहते हैं और इस बार एक जगह पहुंचे हैं सेमीफाइनल में पहुंचे अगली बार जीतेंगे ये मेरा पूरे मुझे विश्वास है चलिए थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हर जीत जीत नहीं होती अभी तो जिंदगी की शुरुआत है और हमारे साथ युद्वीर सिंह चाड़क इनसे बात करूंगा मैं ये मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं सबसे पहले तो भाई मतलब वो बोलते हैं डोगरी में लंबे हो स्मार्ट भी हो तो क्रिकेट की तरफ क्यों गए कभी कहीं सोचा नहीं कि हीरो हीरो बन जाऊँ देखो मैं स्टार्टिंग से ही गेम्स में था स्कूल टाइम पे भी क्रिकेट हाँ। खेलता रहा था बट प्रोफेशनली इतना पता नहीं था कभी भी बट हाँ। uh, मेरे एक फ्रेंड ही है वो उनका नाम अब बाबा नाम है ऐसे नाम भूल गया उनका बावा, कोई नहीं, नहीं? हमारे इधर बाबा शिंदा नहीं नहीं। ऐसे बिल्लू बिल्लू नहीं यही चलते हैं के के बाबा भैया नाम बाबा भैया ठीक है दीपक डोरा उन्होंने मेरे को बोला की तू ऐसे लोकल खेलता है तू एक बार ट्रायल क्यों नहीं देता बस मैं वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैं में मैंने बार? ट्रायल्स दी तो बस ऊपर वाले कृपा से माता रानी कृपा से खेलता गया और इन भाई को अब कम मत आंकना डेढ़ सौ की स्पीड टच करता है ये लड़का आने वाले टाइम में दावे के साथ कहता हूं अभी तो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं आने वाले टाइम पे इंडियन नेशनल टीम में भी जरूर जाएंगे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ अच्छा ये फूल पकड़ करना आपको अजीब सा लग रहा होगा बॉल ऐसे हाथों में होता है कोई बात नहीं हम इसको साइड पर रख देंगे ये हाँ तो अब बात करेंगे हम जी, जी तो सबसे पहले बताओ यार विजय हज़ारे ट्रॉफी का किस बार कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बार क्वार्टर फाइनल तक गई अपनी बिल्कुल, टीम बिल्कुल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था हम तो पहले से ही अब सब डिसाइड कर रहे थे कि हम कुछ करेंगे अच्छा एक मतलब अपनी एसोसिएशन के लिए पूरी स्टेट के लिए कुछ हम डिफरेंट करके बताएंगे और हमने अपने आप में कॉन्फिडेंस रखा हमारे कोचिज हमारे सेलेक्टर्स सब ने हमें बोला कि आप अप जैसा खेलना चाहते हो आप खेलिए फ्रीडम है आपको बस हम वहाँ से हमारा मोमेंटम स्टार्ट हुआ और हम खेलते चले गए और होपफुली

इन एक तो अलग ही इन्वॉर्मेंट होता है वहाँ पे अलग ही एक मतलब मजा आता मतलब एक डिफरेंट चीज होती है हाँ बस तो जैसे कि हमें फील्ड में देखते हैं रोहित शर्मा जी वो थोड़े से ऐसे हाँ भाई क्या वो मतलब ये जैसे विराट कोहली भी उनके बारे में बोलते रहते हैं कि वो बोलता है कि वो चीज मैंने वो वहाँ रखी वो चीज क्या है वो वहाँ तो मतलब है जाते हैं भूल जाते हैं वो चीजें बिल्कुल बिल्कुल भूल जाते हाँ, हैं जब आप मतलब मुंबई इंडियंस में गए तो आपकी सबसे अच्छी आ रही किस मेरे हार्दिक भैया से बहुत अच्छी थी ईशान किशन से आज उसने टू सेंचुरी मारी क्या मार है और रोहित भैया ने भी सेंचुरी मार चुके हैं और आज उसने भी मतलब मुंबई इंडियंस में ही है वो और उसने भी रिकॉर्ड तोड़ा एक मतलब यंगेस्ट क्रिकेटर है जिसने 200 वैसे इतनी अच्छी यारी है डबल सेंचुरी मार ली है मैच खत्म हो गया होगा फोन आपने करके मुबारकबाद दी उनको अभी मैंने उसकी स्टोरी तो डाली है अभी वो बिजी होगा उसको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे बट स्टिल मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा जब फ्री होता है हां तो बीच में लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो हम बात करें थे ईशान किशन जी को मुबारकबाद अभी, अभी हाँ, से बात कर लेते वेवरान भाई है मैंने इनकी वीडियो देखी लेफ्ट हैंड है ये और जब खेलते हैं ये भाई साहब क्या छक्के मारते हो यार आप सीरियसली और एक चीज गौर फरमाइएगा नीचे की तरफ भाई की पैंट फटी हुई है अभी इशान जी किशन जी को भी लगता है डायरेक्ट ग्राउंड से आए हो अभी भी ग्राउंड से उकर आयो हाँ जी हाँ जी इसका

कभी ऐसा हुआ कि आप दूसरी टीम में आपको कैश पकड़ लियो नहीं मेरे साथ नहीं है <laughs> बट ये है कि की फील्डिंग क्योंकि हम साथ ही खेल रहे थे <laughs> एक तरफ से ये अच्छे कैच उठा रहे एक तरफ से मैं उठा रहा हूँ यार जैसे तो, बोलो बोलो दोनों मतलब बेस्ट फील्डर टीम के <laughs> मतलब ये तो है मैं भी हूँ तो क्या हो गया है ना बढ़िया अच्छा जब ये कहते हैं जब अपने युद्धवीर भाई जब ने मुंबई इंडियन में गए है ना आपने देखा होगा इनकी तो एक्साइटमेंट होगी होगी आपकी तो नेक्स्ट लेवल होगी जी बिल्कुल जैसे अपना कोई भाई खेलता तो हमें भी एक्साइटमेंट होती है लाइक अगर ये खेल रहे हैं तो मतलब जैसे स्टेट से तीन लड़के खेल रहे हैं तो

वो ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं किसी को वो कर सकता अब उसको हम गॉड ही बोलेंगे क्या बात, अपने क्या बात है। अच्छा यार युद्धवीर जो है 150 की स्पीड टच करते हैं हाँ नेट में तो आप दोनों साथ में खेलते होंगे ना हाँ जी हाँ जी है तो हाँ कभी हाँ ऐसा होगा युद्धवीर ने कोई बाउंसर वगैरह मार दिया हो आपको और आप हाँ।

मैं जब ये बॉल डालता मैं इसको वो करता हूँ मोटिवेट जब मैं डालता हूँ पीछे से चिलाता, या या तब तो ऐसा ही रहता है दूसरी स्टेट के साथ अब मैचेस खेलते हो तो अंदर से होना चाहिए ना थोड़ा हाँ। समझ रहे हो होने की जान दे देनी अपनी बस ठीक होता है, होता है तो कभी ऐसा हो क्योंकि भाई तो हमारे बैट्समैन है अच्छा खेलते हैं कभी ऐसा हो कि जल्दी आउट होके आगे हो तो दोस्त कभी कभी टांग भी खींच लेता हो आपने कभी ऐसा खींच ले उस टाइम थोड़ा सिचुएशन थोड़ी अलग होती है बंदा उस टाइम खींचता नहीं बाद में खींच लेता हूं उसकी मैं बट उस टाइम सब बैठे होते हैं बोल भी नहीं सकते <laughs> कोचज वगैरह होते हैं फिर उस टाइम बोलोगे बोलो के बोले। ये सीरियस नहीं है बड़ा हो रहा था देखो यार मेरे दिल में ना अब इतनी सारी बातें आ रही ना करने के लिए मैं क्या बोलूँ मैं दिल से बातें करो लेकिन वो समझ लेना बस क्योंकि देखो जब आप मैचेस खेलते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करते हो बहुत सारा आपका घूमना फिरना भी रहता है मैच तो हो गया मैच के बाद क्या करते हो मैच के बाद जैसे कल रेस्ट है तो पहले अच्छे से सो लेते हैं नहीं जम्मू में क्या ही करोगे मैं बाहर की बात कर रहा हूं। देख लेते हैं कभी कभी फेसबुक में हम कभी आपके निकलता रहते, बहुत कुछ देखते रहते हैं देखते हो देख तो, देखता देखो अभी भी देख रहे हो ठीक है जब इंडियन नेशनल टीम में जाओगे ना खुद भी देखना और बाकी यार पक्का चलो अच्छा यार ये तो चलो सिर्फ बॉलर है आप तो ऑलराउंडर हो ना जी तो आपकी इंस्पिरेशन किसको देख के मतलब इंस्पायर होते हो नहीं युवराज सिंह को देखते क्या बात है यार तो शीशक यारीशक आप नहीं, नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल मारोगे जी मारो जी क्या बात है हम भी यही उम्मीद लगाते हैं <laughs> और जैसे कि हमने इंटरव्यू के शुरू में ही कहा था ईशान कि किशन जी को बधाई नहीं दी आपने भैया यार वो फोन अभी बिजी होगा अभी मैं खुद आ, नहीं करूंगा ट्राई मार लेते ट्राई नहीं उठाएगा मुझे पता उसका वो बिजी होगा चलो आप ऐसे ट्राई मैं तब तक इनसे ना बात करता हूँ ट्राई करो अगर बाई चांस उठा दे हम भी मुबारकबाद देते वालों की तरफ से मतलब आप ही देना हमसे बताएंगे कि हमने भी मुबारकबाद दी है ठीक है ना

टीम में खेलेंगे लेकिन आ, वो जो कहते हैं ना कि आ, कोई भी इंसान जितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए लेकिन पीछे से दोस्तों की सपोर्ट बहुत होती है तो इनके ये एक दोस्त हमारे साथ है जो कि खुद भी एक क्रिकेटर थे और इनका नाम क्या मुई। तो मुई। 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 रही है हिमांशु तो हिमांशु मानशु को चिल्ला साथ में है, तो, ये मैं ये तो मैं देखो मेरे साथ भी बंदा हिमांशु है तो मैं ज्यादा फिर ही बोलता क्रिकेटर अभी छोड़ चुका हूँ कोई बात नहीं तो मैं आपको बता दू मैं पहले विवरान से स्टार्ट करूंगा तो विवरान को मैं कहूंगा की सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैंने किसी की देखी अभी तक तो विवरान की है इसका नाम था बर्गर बर्गर होता था क्या हाँ बहुत ज्यादा मेरे

इसके साथ मैं आपको ये कहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जम्मू वाले लड़के अभी बहुत आगे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप इनको अच्छे लेवल पे प्रमोट भी करिए बिल्कुल बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है हम प्रमोट करेंगे जितना ज्यादा हो सके और हम क्या प्रमोट करेंगे इनका टैलेंट जो है खुद इनको प्रमोट कर रहा है और एक बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी जैसे कि ये भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जब हम ऐसे बैठे हुए थे तब भी ये बात कर रहे थे यार आज मैच है मैं बता दूं आपको इंडिया बांग्लादेश का तो कह रहे थे अगर उमरान का ओवर चल रहा है उसने विकटे ली कैसा परफॉर्म कर रहा है देखो तो मतलब वहां पर भी बातें हो रही थी कि उमरान मलिक ने कैसा परफॉर्म किया तो सारे मिलकर जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनली फाइनलीर आपसे जानना चाहूंगा मैं अब यार दिख रहा है कि जम्मू के प्लेयर्स ने खासतौर पर अब उमरान मलिक ने इतना नाम कमाया आपको भी मैं ऑलरेडी जानता हूँ विवरान्त भाई है तो ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है तो कैसा लगता है यार जम्मू छे ओवर में बत्तीस रन देख एक विकेट ले चुका है छे ओवर में बत्तीस रन अच्छी इकॉनमी और एक विकेट क्या बात है मलिक की तो कैसा लगता है कि अब जम्मू वाले इकट्ठे तो उम्मीद करते हैं कि आप हाँ या मलिक एक साथ तीनों जो जम्मू के लड़के इंडियन टीम में सबका ड्रीम होता है एक टीम इंडिया खेलना मतलब कोई भी स्पोर्ट हो सिर्फ क्रिकेट नहीं इंडिया तो इंडिया ही है तो एक सबका ड्रीम होता है और मेरा भी ड्रीम है इसका भी ड्रीम है हर एक प्लेयर का ड्रीम होता है कि हम इंडिया रिप्रेजेंट करें तो उसी के लिए हम प्रोसेस में हैं सारे प्लेयर्स तो बस देखो अब अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है माता रानी की कृपा से तो आगे भी करते रहेंगे और जल्दी हम ये आईपीएल में मिलेगा आपको मिलेगा बिल्कुल।, बिल्कुल, बिल्कुल।, बिल्कुल बिल्कुल आप दोनों जाओ वहाँ पे आके हम आपको मिलेंगे यार क्या बात कर रहे हो आप भी कुछ बोलना चाहोगे ये ये बस अच्छा कार, काम कर रहे हैं सब लोग तो अच्छा रिजल्ट आएगा बाकी अपना प्रोसेस चाली, चालू रखेंगे इनका भी थैंक यू करो ना ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं आके तो आपका भी थैंकफुल सीनियर सिखा <laughs> <आ> रहा है <laughs> <laughs> नहीं नहीं मैं आपको थैंक यू करता हूं यार आपने इतना कीमती टाइम दिया और, स्पेशली सर को जो डॉक्टर निर्मल सिंह जी है इन्होंने हमें फैसिलिटेट किया तो उसके लिए हम थैंकफुल हैं बिल्कुल यार एक सवाल तो मैं कैसे भूल सकता हूँ यार मतलब आपसे मुंबई इंडियन में थे आप

क्या बात तो है मतलब लिए बिल्कुल बिल्कुल आप इमेजिन कर सकते हो साथ में आप बैठे हो साथ में कौन है सचिन तेंदुलकर जी जो की बातें किसी सुना रहे कहा कि पाकिस्तान में जब खेलने गया था पहली बार अख्तर ये वो भाई मेरे को तो सुन के बम्स आ गए इनको इनका क्या हाल हो रखा होगा उस टाइम बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल उस तो वर्ड्स ही नहीं आप क्या बताऊं बिल्कुल लेकिन बहुत मजा आया आप दोनों से इंटरेक्ट करके और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उम्मीद करता हूं आने वाले टाइम पे यार इंडियन क्रिकेट टीम में आप भी आप भी उमरान मलिक और मैं कहता हूं पूरी ग्यारह ग्यारह जम्मू से ही हो अब्दुल समद जी भी है बिल्कुल बिल्कुल वो भी लाइन में है जल्दी आपको देखेंगे ऊपर खेल क्या बात है आई एम प्राउड ऑफ मतलब बीइंग अ जम्मूइट बहुत <laughs> गर्व हो रहा है मुझे सीरियसली थैंक यू सो मच साइनिंग ऑफ फॉर नाउ यू की वाचिंग द बगलोल टीवी